हमारे फूल कितने अच्छे खिल रहे हैं, लेकिन आपने इन पे एक चीज नोटिस करी, इनके जो टिप्स है वो जल गए हैं गर्मी से। ये देखिए जल गए हैं, रोज कितने अच्छे होते हैं। तो यहाँ गर्म हवा धूप की वजह से ये रोज के पेटल ऐसे हो गए हैं दोस्तों, ये ऐसे सूख गए हैं। देखिए ये रोज तो पहले अच्छा था, पर अब इनके ये पेपरी हो जाते हैं, पेटल तो सॉफ्ट है। तो ये लीफ भी सूख गए हैं और ये बर्ड भी बहुत सूख रहा है। रोज तो कितना अच्छा है, पर ये देखिए कैसे हो गए, यहाँ पे मक्खी बैठी है सब। दोस्तों ये रोज को सनबर्न हो रहा है, उनको कैसे रोक सकते हैं आज हम आपको वो बताएंगे। दोस्तों अगर आपके जो रोज के प्लांट है अगर वो गमले में, तो आप उन्हें शेड में रखिए कि जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्ट इनमें ना पड़े। तो आप वॉल के पास भी रख सकते कि वॉल की शेडो से हमारा जो प्लांट है वो बचे रहे। तो आप इसके ऊपर एक जाली लगा सकते हैं जिससे कि जो इनके पेटल्स हैं वो जले ना। जिनके पास बड़ी जगह है तो उनके वहाँ कोई काम आने वाली है नहीं, तो आप जितने आपके अगर छोटी जगह है तो आप उन आपके रोज के ऊपर आप जाली लगा सकते हैं। ओवर वॉटरिंग ना करिए, सुबह पानी जरूर दीजिए, ऐसे मत डालिए, नीचे से डालना चाहिए पानी जिससे कि जड़ में पानी जाए। मैंने पानी दे दिया है रोज को। दोस्तों हमने जो प्लांट में पानी डाला है जल्दी इवेपोरेट ना हो जाए, तो हम उसके ऊपर घास रखेंगे कि जितना पानी हो जल्दी इवेपोरेट ना हो। दोस्तों ये जो घास हम इसके ऊपर लगाएंगे तो इसको हम कहते हैं मल्चिंग। तो देखिए पुरानी घास कटी हुई है, इसको हम मल्च बोलते हैं, तो हम इसके चारों तरफ लगा देंगे, मॉइस्चर रिमेन होगा और ये बचे रहेंगे। तो बहुत सारी घास मत डालेगा, नहीं तो इसमें दीमक लग जाएगी और हवा आसपास नहीं जा पाएगी। तो दोस्तों उम्मीद हो कि हमने जो आपको बताया आपने वो अच्छे तरीके से सुन लिया होगा। तो इस बार मेरे को लगता है आप लोग अपने रोज बचा लेंगे। तो अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।